नमस्कार, मैं रितेंदु ओझा आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल ट्रिपल एग्री में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में केसीसी को लेकर मोदी सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है और किसको मिलेगी राहत और भुगतान तिथि के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोरोना महामारी के दौर में केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी धारकों के लिए लोन भुगतान करने की तिथि को बढ़ाकर अब 30 जून तक कर दिया गया है। कोरोना महामारी के दौर में केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। करीब 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए लोन भुगतान करने की तिथि अब बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई है। कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने लोन लौटाने की आखिरी तिथि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने वाले किसानों को 31 मार्च तक लोन का भुगतान करने पर ब्याज दरों में छूट मिलती है। अगर किसान 31 मार्च तक लोन नहीं लौटाते हैं तो उन्हें 4% की जगह 7% की दर पर ब्याज देना होता है। कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुए इस बार किसानों को राहत दी गई है। अगर वो 30 जून तक लोन का भुगतान करते हैं तो उन्हें 4% की दर पर ही ब्याज लिया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत करीब 10 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये की 8वीं किस्त जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार की ये निरंतर कोशिश है कि छोटे और सीमांत किसानों को बैंक से सस्ता और आसान लोन मिले। इसके लिए बीते 1.5 साल में किसान क्रेडिट कार्ड पर उपलब्ध करने का अभियान चल रहा है। इस दौरान 2 करोड़ से ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। ब्याज में भी मिलती है छूट। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2018-19 में 1 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों को केसीसी मुहैया कराया गया है, जबकि 2019-20 में 1,23,00,000 से ज़्यादा केसीसी बनाए गए हैं। खेती किसानी के लिए केसीसी पर लिए गए 3 लाख रुपए तक के लोन की ब्याज दर वैसे तो 9% है, लेकिन सरकार किसानों को 5% सब्सिडी देती है। इस तरह उन्हें सिर्फ 4% ब्याज पर पैसे मिल जाते हैं। केसीसी की वैलिडिटी 5 साल तक रखी गई है। सबसे सस्ता लोन। सरकार ने खेती के लिए सस्ता सिर्फ 4% ब्याज दर पर लोन लेने की व्यवस्था की है। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि स्कीम को केसीसी योजना से लिंक कर दिया गया है। इसे बनवाने के लिए फॉर्म भी पीएम किसान स्कीम की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। किसान भाई यहीं से केसीसी फॉर्म डाउनलोड कर इसे बनवा सकते हैं और इसको फ्री भी कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या हैं। 1.60 लाख रुपए तक के लोन लेने के लिए गारंटी की जरूरत नहीं है। केसीसी से खेती से जुड़ी चीज़ें खरीद सकते हैं, बाद में फसल बेचकर लोन चुका दें। केसीसी लोन पर अब फसल बीमा करवाना स्वैच्छिक हो गया है। केसीसी पर अब डेयरी और मछली पालन के लिए भी मिलता है लोन। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से जरूरी कागजात लगेंगे। सबसे पहले खेती की कागजात यानी कि रिजर्व रिकॉर्ड, फिर पहचान पत्र के लिए आधार पैन कार्ड की फोटोकॉपी और किसी और बैंक में कर्जदार ना होने का एफिडेविट, उसके बाद आवेदक की फोटोकॉपी या फिर उनकी फोटो। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन ले सकता है किसान क्रेडिट कार्ड। खेती किसानी पशुपालन व मछली पालन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति केसीसी ले सकता है। किसी और की जमीन पर खेती करने वाला व्यक्ति भी ले सकता है लाभ। न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 75 साल होनी चाहिए। किसान की उम्र 60 साल से अधिक होने पर एक को एप्लीकेंट भी लगेगा, उसकी उम्र 60 साल से कम हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी होगी। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।